गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल 24U पर। आज हम लोग क्या बात करने वाले, ध्यान से देखो। आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है? तो उसको ध्यान से देख लेना। क्या बोल है कि विद्युत धुर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करें। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम में सारे डेरिवेशन करके बताएंगे, ठीक है? तो विद्युत विधुर क्या होता है, ये पहले ही बता चुके थे कि समान मान के दो आवेश प्रकृति अलग अलग जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी 2L पर स्थित रहता है तो इस निकाय को विद्युत विधुर कहते हैं, ठीक है? समान मान के दो आवेश, जैसे एक आवेश प्लस क्यू है और एक आवेश माइनस क्यू आवेश है, तो एक प्लस एक माइनस है, दोनों का मान समान है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो बहुत कम है 2L, तो इसी निकाय को विद्युत विधुर कहते हैं। जहां विद्युत विधुर होता है वहां विद्युत विधुर आघूर्ण आता है। विद्युत विधुर आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, मतलब दोनों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेश के बीच की लंबवत दूरी, जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। तो विद्युत विधुर आघूर्ण का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। समझ में आ गया? ओके, हम लोग को करना क्या है, तो विद्युत विधुर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो मान लो एक विद्युत विधुर है, यहाँ पे पिक्चर बना रहे हैं, ये मान लो विद्युत विधुर है। अच्छा, एक बात और, विद्युत विधुर की लंबाई जो 2L होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा सा होता है, बस समझो कि इसको जूम करके लिखेंगे तो जूम करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर विद्युत विधुर है जिसमें एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव। एक नेगेटिव ले लिया और एक चार्ज क्या ले लिया, बोलो पॉजिटिव ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, बोलो 2L होगा। तो विद्युत विधुर का ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मान लो O है, मिडिल पॉइंट, और इससे R दूरी पर, तो यहाँ पर किसी बिंदु पर बोला है ना, तो हम लोग टेढ़ा लेंगे ऐसा, ठीक है? और ये दूरी मान लो R है, तो R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर हमको विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, ठीक है? अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, समझ में आ गया? इस डिस्टेंस को हम, इसको डिस्टेंस को मान लो R2 बोल रहे हैं और इस डिस्टेंस को मान लो R1 बोल रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो हम लोग पढ़े हैं कि कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q है तो इससे R दूरी पर विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V=1/4πε0Q/R, ठीक है? और इसमें आवेश का मान उसके प्रकृति के साथ लिखा जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव देना और माइनस चार्ज है तो माइनस देना, मतलब V=1/4πε0-Q/R ऐसे लिखना है, ठीक है? तो बहुत सिंपल पॉइंट है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक विद्युत विभव आएगा, इसका नाम है V1, और माइनस क्यू आवेश के कारण पर भी यहाँ पर विद्युत विभव का मान आएगा V2, और कुल विद्युत विभव जब निकालना होगा तो लिखेंगे V=V1+V2, बस यही स्टेप हमको करना है, समझ में आ गया? तो मान लो, माना कि एक विद्युत विधुर है जिसकी लंबाई कितना है, 2L है, जिसकी लंबाई कितना है, बोलो 2L। तो विद्युत विधुर का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो विद्युत विधुर का द्विध्रुव आघूर्ण होगा P=Q(2L। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका नामांकन भी कर सकता है, इसका नाम ए, इसका नाम कर सकता है बी। तो क्या है, ए बी एक विद्युत विधुर्व है जिसकी लंबाई 2L है, तो विद्युत विधुर का द्विध्रुव आघूर्ण होगा P=Q(2L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे प्लस की आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस की आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विद्युत विभव आएगा V1, तो V1 इक्वल लिखोगे 1/4πε0Q/R होता है, Q/R, तो यहां प्लस है तो प्लस Q बाय क्या होगा, R होगा, तो R की जगह R1, इस तरह इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। फिर माइनस की आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, देखो कितना सिंपल है, तो माइनस की आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव निकालोगे तो इसको लिखोगे V2, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V=1/4πε0Q/R, तो माइनस है तो माइनस लिखोगे, तो V2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0-Q/R, तो यहाँ R2 लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, बोलो R2 है, हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब लिखोगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है? तो अतः P बिंदु पर कुल विभव, अतः P बिंदु पर कुल विभव जब निकालोगे तो होगा V=V1+V2, ऐसे करना है। तो पुट करो V1 का वैल्यू 1/4πε0, ठीक है ना, Q/R1, माइनस से तो माइनस दे दोगे, मतलब यहां से माइनस आएगा ना, फिर लिखोगे 1/4πε0 Q/, क्या लिखोगे बोलो, R2।
अब यहाँ से जो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेना है, तो v इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, बस समझ गया ना। तो ऐसे लिखना। अब क्या करना है देखो, ये चीज आ गई, अब हमको ना आर वन और आर टू का वैल्यू निकालना है, मतलब यही वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर फोर मान लेते हैं। अब मिटा रहे हैं और आर वन आर टू, अच्छा यहीं पे निकाल देते हैं, आर वन और आर टू का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो आर वन आर टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एक्चुअली विद्युत धुर जो होता है इतना बड़ा तो होता नहीं, बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, मतलब ये जो है एकदम ओरिजिन के करीब होगा, यहाँ पर करीब होगा। तो जब इस टर्म को यहाँ से घुमा के ओरिजिन के करीब लाएंगे तो कुछ इसका डिस्टेंस जो है इतना आएगा। सर कैसे नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ थोड़ा वेट करो बता रहे। देखो अब मेरे पास कुछ है नहीं तो है, इसे समझा देते हैं, देखो कैसे थोड़ा समझने का प्रयास करेगा तो मजा आ जाएगा। देखो अगर हम इस आर वन डिस्टेंस को देखें ऐसे, देखो ना करके बता रहे हैं, यहां से देखो इस डिस्टेंस को देखो, इस पी पॉइंट से डिस्टेंस को लेना है, अगर इस पी पॉइंट को ओ के करीब लाएंगे तो कहीं हमारा डिस्टेंस यहां तक आ रहा है, बोले हाँ सर। तो इस पॉइंट पर क्या करना, यहां पर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो इससे हमको ये पता चला कि जो ये वाला दिख रहा है ना बाबू, पीबी का जो डिस्टेंस है, तो पीबी का डिस्टेंस जो है लगभग, एक्चुअली पीबी के बराबर नहीं, एक्चुअली पीडी के बराबर है। अगर पीडी का वैल्यू निकाल लिए, मतलब बीपी का भी वैल्यू निकाल लिए, बीपी को क्या बोल रहे थे आर वन, और पीडी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जब पीडी का डिस्टेंस निकालना होगा ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा, तो इस बड़ा वाला डिस्टेंस में ये छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, मतलब इसी को पीडी की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, पीडी की जगह हम लिख सकते हैं, देखो ये पीडी दिख रहा है ना, इस पीडी की जगह लिख सकते हैं ओपी, ओपी माने बड़ा वाला डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, माइनस क्या होगा बोलो ओडी, बस हो गया। अब आसानी से निकाल लेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस 2L है, तो ये वाला डिस्टेंस L होगा, ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा L होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा बोलो थीटा, और ये वाला एंगल कितना है बोलो 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बोलो बेस हो गया, हुआ ना। तो OD का वैल्यू कितना आएगा बताओ, OD का वैल्यू देखो यहाँ लिखेंगे R1 बराबर OP का वैल्यू कितना, OP का वैल्यू तो R है, ठीक है, OD का वैल्यू चाहिए, OD का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो OD निकालने के लिए हम लोग cos थीटा का यूज कर सकते हैं, यहीं बगल में देखते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा B बटा H, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, B के जगह कौन होगा देखो ये वाला है ना, तो ये वाला होगा कर्ण माने L, और ये वाला होगा B, तो B के जगह हमको लिखना है OD, समझ में आ गया, OD लिख दिए, और H के जगह लिखोगे L, तो OD बराबर आ गया L cos थीटा, दिख रहा है ना L cos थीटा, यहाँ लिखोगे L cos थीटा, बस समझ में आ गया। उसी तरह जब हम देखो, उसी तरह जब हम इधर वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको जैसे हम O पॉइंट की ओर लेके जाएं, क्योंकि विद्युत धारा बहुत छोटा होता है, तो ओरिजिन के आसपास होगा इसका टोटल डिस्टेंस, तो इसको जब हम यहां से इधर लेके जाएंगे तो कहीं इस इधर आ रहा है, मतलब बाहर तरफ आ रहा है, तो बाहर तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते ऐसे, बोलो हाँ या ना, ये वाला, फिर से ये वाला एल है, तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं मान लो हम सी दे देते हैं, तो इस बार फिर से पीए का जो डिस्टेंस है, किसका बोलो पीए का, पीए यहां पे बना के दिखा रहे हैं, है ना, तो जो पीए का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली किसके बराबर है बोलो पीसी के बराबर है, ये वाला पॉइंट का नाम सी। अब पीसी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पीसी का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है, बोले सर ओपी में ओसी माइनस कर देंगे, बोले हाँ ओपी में ओसी क्या कर देंगे बोलो प्लस कर देंगे, जोड़ ना देंगे, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकालना ही निकालना है, और ये से यहां तक जोड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जोड़ेंगे तो करो, तो फिर से बोले सर पीए बराबर क्या है, तो पीए बराबर है हमारा R2, समझ में आया, पीए बराबर क्या है बोलो R2, तो R2 का वैल्यू आर
मतलब पी ए का वैल्यू आर टू है, आर टू बराबर पी सी है, और पी सी का वैल्यू किसके बराबर आया, ओ पी प्लस ओ सी के बराबर आया। ओ पी का वैल्यू कितना है, बोले सर ओ पी का वैल्यू हमारा आर है, आर, और प्लस ओ सी का वैल्यू ये वाला, तो फिर से ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा कर्ण और ये वाला हो जाएगा आधार। तो आधार का वैल्यू फिर से यदि निकालोगे तो ये वाला वैल्यू फिर से आएगा एल कॉस थीटा, ये वाला एल कॉस थीटा आएगा, और इसमें इस बार जोड़ना है, मतलब आर प्लस यहाँ आएगा एल कॉस थीटा, सिमिलरली उसी तरह। तो चाहो तो ये वैल्यू याद ही रख सकते हो, वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस होगा, याद रखना आर प्लस एल कॉस थीटा आएगा, याद रख लोगे तो डेरिवेशन और आसान हो जाएगा, एग्जाम के एग्जाम में डायरेक्ट पुट करना, एग्जाम में निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ लिखोगे आर माइनस एल कॉस थीटा, बस इतना सिंपल याद रखना है। अब बस ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, इतना कर लोगे तो टेंशन हो जाएगा खत्म करे। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, V बराबर बोले सर 1 by 4 pi epsilon naught, और यहां लिखोगे 1 by R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू है R माइनस L cos थीटा, बोले ठीक है, और माइनस R2 का वैल्यू कितना है, R2 मनी इधर वाला, तो हो गया R प्लस L cos थीटा इस तरह, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो v बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस l cos थीटा होगा ना, फिर माइनस है तो माइनस दे दोगे, यहाँ लिखोगे r माइनस l cos थीटा, ठीक है। और y क्या आ जाएगा, ये देखो a स्क्वायर माइनस b, इन दोनों को कॉमन लेंगे ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, एक बार लिख लेते हैं, r माइनस l cos थीटा आएगा और इंटू r प्लस l cos थीटा आएगा, आएगा ना, बहुत बढ़िया, चलो मिटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो v बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, इस जगह पे क्या करोगे, देखो यहाँ r plus l cos theta और minus r, और यहाँ minus minus plus l cos theta, बस हो गया इधर पूरा सॉल्व, नीचे में a square minus b square, बोले a square minus b square होता है a plus b और a minus b, तो ये दिख रहा है a minus b a plus b, तो a square minus b square आएगा, तो होगा r square minus l square cos square theta, ये तो एकदम जानते हो। अच्छा एक बात और यहीं पे खत्म करते हैं कि विद्युत विधुर बहुत छोटा था तो 2l बहुत छोटा होगा, 2l बहुत छोटा होगा तो l, l तो आधा है ना, वो तो और छोटा होगा, तो ये l बहुत छोटा होता है r स्क्वायर की तुलना में, तो लिख सकते हैं यहाँ l स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, देयरफॉर l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा दिया जाता है, तो l स्क्वायर को जैसे नेग्लेक्ट करेंगे और यहाँ से ये टर्म हटेगा, तो मेरे पास आया v बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2, ये और ये दोनों जुड़ के 2l cos थीटा, और यहाँ q था, यहाँ q था देख लेना, ठीक है, यहाँ पर q था कॉमन लिए थे तब, और y क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला टर्म जीरो हो गया और सीधे बचा यहाँ r स्क्वायर, बचा ना, तो इसको सजा खा लिखो v बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है, और q इससे मल्टीप्लाई होगा तो q into 2l और क्या आ जाएगा, बोलो cos थीटा और by r स्क्वायर। अब q into 2l equal to p पढ़ाए थे, p equal to होता है q into 2l, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो p आ जाएगा, तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आता है, ठीक है, कहाँ लिखें, यहीं पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, चलो तो समझा दिए। अब इस जगह पे लिखेंगे तो v बराबर हो गया 1 by 4 pi epsilon naught और q into 12 की जगह p, तो यहाँ p cos theta और भाई क्या हो जाएगा, बोलो r square, ठीक है। तो विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है या फिर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो था v equal to 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square, याद रखना कितना होता है, बोलो p cos theta by r square, पांच नंबर में आता है। अब केसेस देख लो, थोड़ा सा केस है एमसीक्यू में आ सकता है, यही बता देंगे। केस वन, केस वन जब ये पी बिंदु यानी कि विद्युत विधुर ऐसे ना है, विद्युत विधुर से मतलब ये जब थीटा इक्वल कितना डिग्री हो जाए, बोलो जीरो डिग्री, मतलब बोल सकते हैं कि विद्युत विधुर के दिशा में, तो विद्युत विधुर के दिशा में विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा जीरो, मतलब ये पी पॉइंट अभी यहाँ है, जब ये टर्न करके घूम के है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर अगर पी पॉइंट यहाँ आ जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन ऐसे होगा और पी पॉइंट का भी डायरेक्शन ऐसे होगा, मतलब जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो जीरो डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं इसको कि विद्युत ध्रुव के दिशा में विद्युत विभव का मान,
तो विद्युत ध्रुव की दिशा में विद्युत ध्रुव का मान निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर पुट करोगे तो वी इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 डिग्री और बाई क्या हो जाएगा बोला आर स्क्वायर, 0 डिग्री वैल्यू 1, तो वी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर और ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो विद्युत ध्रुव के दिशा में विद्युत विभव का मान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। और एक बात, जब हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालते हैं विद्युत ध्रुव के लंबवत दिशा में विद्युत विभव का मान, तो यहाँ लिखेंगे कॉस मतलब केस टू, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये विद्युत ध्रुव के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे पी पॉइंट को अभी लिए थे, अब यहाँ पे आ जाए मान लो सपोज करो यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वी का वैल्यू कितना होगा, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिग्री, 90 वैल्यू क्या होता है 0 और पाई आर स्क्वायर, तो वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला टर्म 0 हो गया ना, तो वी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर होगा, क्या बात है, समझ में आ गया। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, तो ये एग्जाम 5 नंबर के लिए आता है, तैयार कर लेना, अच्छा से बता दिए, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ सर्च करना फिजिक्स बाय अमृतेश्वर, पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ढूंढने पे मिल जाएगा इसका डेरिवेशन, ठीक है, बढ़िया से पूरा चैप्टर डाला हुआ है, तो वहाँ से देख के आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इसका लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।